बनना पड़ता है। सपोज स्कूल में तुम बुली हो रहे हो, तुम्हें शॉन्टी, वीके और चमके नाम के तीन मोटे बंदे भरी क्लास के सामने पेल रहे हैं, तो क्या करोगे तुम उस समय? डू और डाई। मगर कुछ नहीं, क्योंकि तुम एक नुन्नू से बच्चे हो और तुम्हें घर पे क्या सिखाया है? झगड़े, लफड़े, मौज मस्ती और एमवे के गाने से दूर रहना। बट अगर यहाँ पर तुम एक बैड बच्चे होते तो तुम कराटे सीख के आते और वो तीनों मोटे बच्चों में घुसेड़ भर देते, जिससे कि तुम क्लास के हीरो और नए गुंडे दोनों बन जाते। इसीलिए तुम्हारे एक बुरा आदमी बनना जरूरी है। हैशटैग रूल नंबर वन, एक बैड पर्सन अपने साथ बुरा करने वाले पे घुसेड़ भर देता है। सेल्फिश, क्या होता है सेल्फिश? बेंटन की वॉच में सेल्फिश दबाकर एक मछली बन जाना? नहीं, सेल्फिश का मतलब होता है मतलबी, जो बंदा बस खुद के बारे में सोचता है। और आज के जमाने में अगर तुम सेल्फिश हो तो तुम बुरे हो, क्योंकि प्राचीन काल में रहा होगा कोई आदिवासी जिसने कहा होगा, साकुरादा नंदताई इस्ती उस्ती नमस्ती। ए, इसकी आवाज ठीक करो। मिल बांट के खाना चाहिए इसकी मागी। शेयरिंग इज केयरिंग। क्योंकि इसको कोई काम धंधा नहीं करना था। इसके पंटर लोग जो भी जानवर मार के लाते ये भी उनके साथ मिलके खाने लग जाता, क्योंकि इसने तो बोल रखा था ना शेयरिंग इज केयरिंग। तो अब तुम्हें क्या करना चाहिए? शेयरिंग छोड़ के 100% सेल्फिश बन जाना चाहिए? नहीं, तुम्हें सेल्फिश बनना चाहिए, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ जो तुम्हारे साथ सेल्फिश है। हैशटैग रूल नंबर टू, उन्हीं लोगों के साथ सेल्फिश बनो जो तुम्हारे साथ सेल्फिश है। अब अगर कोई बुरा आदमी है तो उसमें बुरी आदतें भी होगी, जैसे खुले में हल्का होना, बीड़ी फूंकना, सबके सामने अपशब्द का प्रयोग करना, जैसे माँ की कुत्ते, हाँ कुत्ते, भाई साला गाली देता है अनपढ़ जाहिल। नहीं, तुम्हें ऐसा बैड पर्सन नहीं बनना है। अब देखो, बुरा बनने की भी कुछ स्टेज होती है, जिसके सबसे लास्ट में अगर तुम गए तो तुम क्रिमिनल बन जाओगे। और मैं तुम्हें रास्ते से जाती हुई दादी माँ को AK-47 से पेलने का नहीं बोल रहा हूँ, वो बात अलग है, ज्यादा मजा उसमें ही आता। लेकिन नहीं, अब हर कोई असलियत में बुरा नहीं होता, ये तो बस तुम्हारे देखने का नजरिया है। सपोज कोई बंदा अपने दोस्तों के साथ दारू पी रहा है तो ये चीज उनके लिए काफी कूल है, डिचक पार्टी हो रही। और अगर यही चीज घर वालों के सामने हो जाती तो ओए, मैं और मेरे पंटर करे काम जमकर, हम तो हैं बड़े खतरनाक। अरे चाचा आप, अरे एक्सरसाइज कर रहे हो कि नहीं आजकल? फुल सुबह सुबह स्टार्ट किया था ना, चलो अभी करो। अभी तो रात हो रही है। लेकिन रात हो रही है? अरे अरे हाँ, रात ही तो हो रही है, वही तो कहा सुबह एक्सरसाइज करा करो। ये पूरा एक नजरिए का खेल है। ऐसा हो सकता है अगर किसी को तुम बैड लग रहे हो तो किसी को तुम बैड एस लग सकते हो। और मेरे हिसाब से तुम्हें उन्हीं लोगों के साथ रहना चाहिए जो तुम्हें बैड एस समझते हैं। अब देखा जाए तो बुरा बनने के काफी सारे फायदे हैं। पहला, तुम्हारे पास खुद के लिए काफी ज्यादा टाइम बचेगा। वो कैसे? तो जब तुम तुम्हारे दोस्तों के साथ बनाए हुए सारे प्लान्स कैंसिल कर दोगे, जो कि तुम पहले भी करना चाहते थे लेकिन अच्छा बनने के कारण नहीं कर पा रहे थे, तुम्हें उन्हें बस इतना बोलना है, नहीं और ब्लॉक। देखा कितना सिंपल है। भाई अपन ने चांद पे हॉकी खेलने का डिसाइड किया था, तू आ रहा है ना? चांद पे हॉकी खेलने का डिसाइड किया? अरे भाई भूल गया? तेरा भाई चांद के गड्ढों में हॉकी खेल के बताएगा? अरे नहीं भाई, गड्ढों में ना हॉकी नहीं, अपन गोल्फ खेल सकते। चुप, बिल्कुल चुप। हॉकी मतलब हॉकी। ठीक है भाई, हॉकी। अरे हेलो भाई, याद आया तेरे को? हाँ, अच्छा सुनना। हाँ भाई। नहीं मैं नहीं आ सकता, ब्लॉक कैसे करूँ अब इसको? भाई तूने तेरे दोस्त को बोल दिया ना आते टाइम ऑक्सीजन सिलेंडर ले आए, वरना हम बचने नहीं वाले, इधर हमारे वाले वैसे ही खत्म होने वाले हैं। हेलो भाई, ये तेरे आंसू क्यों उड़ रहे ऊपर? तू रो रहा है? अब बुरा बनने का सबसे बेस्ट फायदा पता ही क्या है? तुम लोगों को इग्नोर कर पाओगे। अब लोगों से मेरा मतलब क्या सारे लोग? नहीं, वो टॉक्सिक लोग जो हमेशा तुम्हारा यूज करते हैं, तुम्हारा अच्छा होने का फायदा उठाते हैं, तुम्हारे बारे में हमेशा बुरा सोचते हैं, और सबसे बेस्ट पार्ट, वो तुम्हारे सामने सबसे अच्छे बनते हैं। मुझे पता है तुम लोग की भी लाइफ में ऐसे बहुत लोग होंगे जिनसे तुम्हें छुटकारा नहीं मिल रहा होगा, मगर कोई बात नहीं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है जिससे कि तुम ऐसे बुरे लोगों से बच सकोगे। इस वीडियो का पॉइंट यही है कि बुरे लोगों का मतलब हमेशा आतंकवादी या क्रिमिनल ही नहीं, ऐसे लोग भी बुरे होते हैं और तुम्हें लाइफ के हर स्टेज पे इनसे डील करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम में से कोई, मेरी प्यारी ऑडियंस में से कोई भी दुखी हो। ज्ञान वाली वीडियो चेक। क्या हुआ, ऐसे ही तो बनते गुड इन्फ्लुएंसर। या नॉट योर टाइप गुड इन्फ्लुएंसर। हाँ, अली के साथ मालूम नहीं कौन है, मगर फिर भी हाँ, वीडियो से बातें बताते, बातों को ज्यादा ना घुमाते, तुमसे सब्सक्राइब कराते। Yeah, MC Altaf on the beat. Video editing done by Surdas. Video edited on Kind Master and Power Director. Rap written on RV Burman 3rd edition notebook. MRP 23 rupees. 499 black pages. हम पुलिस से तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। अरे लेकिन मैंने किया क्या है? ऑफिसर मैं सच बता रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। जज आप ही देखो, ये लोग मेरे को खोपरू। तू
देलिया ज्ञान यूट्यूब पे अपनी असलियत के बारे में नहीं बताएगा? तूने मेरे साथ क्या किया था वीडियो के स्टार्टिंग में? मुझे जंगलों में फेंक दिया था तूने। तेरे फेंकने से मेरी जिंदगी बहुत कठिन हो गई थी। तुझे पता भी नहीं है मैं कैसे जिया हूँ। लेकिन एक चीज तो मुझे समझ आ गई है, ये दुनिया जैसी है तुम्हें वैसी ही बनना पड़ेगा। फिर फर्क नहीं पड़ता तुम बुरे बन रहे हो या अच्छे।